धनबाद जिला बागमारा प्रखंड मोहदा पंचायत के अंतर्गत मोहदा गांव की रहने वाली सुकुमतला देवी और उसके जैसे 250 लाभुकों को जन वितरण प्रणाली की दुकान 5 किलोमीटर दूर दूसरे पंचायत में होने के कारण अनाज लाने में इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग राशन बहुत दूर में देता है। कितना दूर में देता है? ललगंगला। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से हो 1.5 घंटा लगा है, पैदल में जाते तो हमें अनेक दिक्कत है, आना जाना में परेशान है। गरीब लोग के 4 छोटे होते तो भाड़ा कहाँ कुछ। दूर पड़ता है ललबंगला, चला गया है कोटा। हम लोग गांव में देता था पहले, अभी नहीं देता है गांव में। कितना दिन से दूर जाना पड़ता है? 3 महीना हो गया है। उसमें फिर और 2 किलो फिर चावल वहाँ काट देता था। 35 किलो मिलता था, 35 किलो नहीं मिलता है। करीब 300 जो वहाँ का है, मैंने अंतरदोई और लाल कार्ड। अभी तो अतिरिक्त BPL जो है उनको तो बंद ही कर दिया गया है, लेकिन लाल कार्ड और अंतर्गई का वहाँ सब मिल रहा है। पहले पेलूराम गोस्वामी का कोटा चल ही रहा था, तो सामने था तो चलिए हम लोग यहीं सब, उतना दरकार नहीं था। हम लोग आवेदन दिए हैं धनबाद में, SDO के यहाँ दिए हैं, DC को दिए हैं और बागमारा प्रखंड में दिए हैं, MO साहब को दिए हैं। समूह हम लोग बनाए हैं तो समूह में हम लोग कोटा हम लोग को चाहिए। हम लोग जितना महिला ग्रुप है हम लोग भी देंगे, राशन बांटेंगे हम लोग, और हम लोग गांव के विकास करेंगे। देखने मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से यह अपील करती हूं कि आप बागमारा प्रखंड के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी श्री शंभु शरण विद्यार्थी को संपर्क नंबर 94 31 36 12 53 पर कॉल करके इस समस्या से अवगत कराएं और मोहदा पंचायत के लाभुकों की मदद करें, ताकि मोहदा पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान जल्द से जल्द खुले और लाभुकों को उचित मूल्य पर अनाज मिले। मैं भारती, झारखंड के धनबाद जिले से, इंडिया अनहट के लिए।